हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे प्रखर वर्कबुक क्लास ए सब्जेक्ट इंग्लिश के असेसमेंट नंबर 11 का सॉल्यूशन, जो कि आपके पेज नंबर 106 पर स्थित है। इससे पहले हमने 105 तक कंप्लीट वीडियोस देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहां हम स्टार्ट करेंगे असेसमेंट नंबर 11 का सॉल्यूशन, जो कि पेज नंबर 106 पर स्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पैसिव वर्ब्स। यहाँ हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, हमें ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दी गई हैं जिनमें हमें करेक्ट पैसिव वर्ब को चूज करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो हमने पहले पैसिव वॉइस पढ़े हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट करना सीखा था, तो इसी तरह यहाँ पर भी हमें डन करना है इस असेसमेंट को। क्वेश्चन फर्स्ट में ए है, सौम्या इज थॉट बाय झलक। ठीक है, तो यहाँ टीच की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, इज टॉट इज आ जाएगा, सौम्या सिंगुलर है तो यहाँ इज टॉट हो जाएगा, सौम्या इज टॉट बाय झलक। बी है, बनाना ब्लैंक बाय हिम आर सोल इज सोल। बनानास, यहाँ बनानास है तो यहाँ बनानास के लिए आर लिखेंगे और सेल की सेकेंड फॉर्म सोल आ जाएगी, बनानास आर सोल बाय हिम। सी है, आई ब्लैंक टू रानी आर नोन एम नोन, यहाँ एम लिखेंगे आई के साथ में तो एम नोन हो जाएगा, नो की सेकेंड फॉर्म नोन, आई एम नोन टू रानी। डी है, अ सॉन्ग ब्लैंक बाय आर्ची वर्स संग, तो यहाँ अ सॉन्ग है तो यहाँ एक सॉन्ग के लिए लिखेंगे वर्स संग बाय आर्ची। ई है, टू थीव्स ब्लैंक बाय मी एंड माय फादर वॉज कॉट वर कॉट। टू थीव्स हैं तो यहाँ वर हो जाएगा वर कॉट, कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट, टू थीव्स वर कॉट बाय मी एंड माय फादर। F है, द डोर ब्लैंक बाय राज वर क्लोज वॉज क्लोज, यहाँ हो जाएगा द डोर के लिए वॉज क्लोज, क्लोज की सेकेंड फॉर्म क्लोज, द डोर वॉज क्लोज बाय राज। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट फाइव सेंटेंस अबाउट योर स्कूल विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन दी बॉक्स। हमने पहले भी बॉक्सेस में देखे हैं कि हिंट्स दे रखी होती है हमें ब्रैकेट में बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स की, जिनसे रिलेट करके हमें सेंटेंस को राइट करना होता है। तो यहाँ हमें अपने स्कूल के बारे में फाइव सेंटेंस लिखने हैं जो कि दिए गए वर्ड से रिलेट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे माय स्कूल इज़ वेरी बिग, सेकंड लिखेंगे इट हैज़ 10 रूम्स इन इट, थर्ड है स्कूल लाइब्रेरी हैज़ 10,500 बुक्स इन इट, फोर्थ है वी हैव टू स्मॉल गार्डन्स फुल ऑफ फ्लावर्स, फिफ्थ है एंड अ प्लेग्राउंड टू प्ले आफ्टर लंच। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइव सेंटेंसेस लिखे हैं दिए गए वर्ड से यूज़ करके। थर्ड क्वेश्चन है, चेंज दी एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हमें एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दे रखे हैं, हमें क्या करना है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इन्हें। ए है, राधा स्पीक्स हिंदी, यहाँ लिखेंगे हिंदी इज स्पोकन बाय राधा, राधा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हिंदी यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ जब पैसिव वॉइस में लिखेंगे सेंटेंस को तो हिंदी सब्जेक्ट का रूप में हो जाएगा। ठीक है, और इज और स्पीक की सेकेंड फॉर्म लिख देंगे स्पोकन। बी है, राम किल्ड रावण, तो यहाँ लिखेंगे राम हैज़ बीन किल्ड बाय राम, रावण हैज़ बीन किल्ड बाय राम। ठीक है, राम जो कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और रावण सब्जेक्ट बन जाएगा, रावण हैज़ बीन किल्ड बाय राम। सी है, आई बॉट टू काउज, यहाँ लिखेंगे टू काउज वर बॉट बाय मी। डी है, श्रद्धा रीड्स नोवल, यहाँ लिखेंगे नोवल्स वर रीड बाय श्रद्धा। ई है, माय पेरेंट्स टीच मी, यहाँ लिखेंगे आई वॉज टॉट बाय माय पेरेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये था असेसमेंट नंबर 11 का सॉल्यूशन। यहाँ पर आई वॉज नहीं लिख के आई एम टॉट बाय माय पेरेंट्स इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ मैंने गलती से वॉज कर दिया है, तो आपको इससे सही कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से था असेसमेंट नंबर 11 का सॉल्यूशन, जो कि पेज नंबर 106 पर स्थित है। तो इस तरह से हमारे कंप्लीट होते हैं क्लास 8 के सब्जेक्ट इंग्लिश की प्रखर वर्कबुक के सभी असेसमेंट और वर्कशीट के सॉल्यूशन। तो हम फिर मिलेंगे आपकी क्लास से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।